अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आ गए पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैन की मार्केट में, और यहाँ पे हमें मिल जाती है ब्रांडेड फैन। और ये जो फैन आप देख रहे हैं, ये जो आप ये वाला फैन देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस ये है, जो नॉर्मल हमारे घर में फैन यूज होते हैं, ये जितने भी फैन है ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, और उस हवाले से इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आ रहे हैं वो भी डबल आ रहे हैं प्रीवियस मंथ से, तो उसके लिए ये फैन बेस्ट है। और अगर आप ये फैन यूज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50% तक रिड्यूस हो सकता है, 50% इजीली कम हो सकता है अगर आप ये फैन यूज करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें हमने एक एक फैन देखा है, एक एक फैन को कवर किया है, एक एक फैन के ब्रांड को कवर किया है। तो लाजमी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की न्यू न्यू वीडियो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? अच्छा, हमारे पास ब्रांड्स हैं सारे, पाक फैन है, GFC है, रॉयल फैन है, मिल्लत है, SK फैन है हमारे पास, खुर्शीद फैन है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास मीडियम रेंज के पंखे भी हैं, मुख्तलिफ रेट्स में फैंसी भी हैं, उसमें सादे भी हैं, हर किस्म के पंखे। मीडियम रेंज में भी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी वगैरह बेहतरीन है? मीडियम रेंज में भी अच्छी क्वालिटी में भी है, हल्का हमारे पास बिल्कुल हल्का तो हम रखते ही नहीं क्योंकि वो लगाने बेकार है। हमारे पास मीडियम रेंज में समझ लें कि 4,000 रुपये से स्टार्ट है, 4-4.5 हज़ार रुपये के दरमियान की वैरायटी है, जिसमें फैंसी भी है, सादे भी हैं और कॉपर की वाइंडिंग के पंखे हैं। कॉपर की वाइंडिंग है। तो सबसे पहले आप क्या दिखा रहे हैं? आइए आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये मीडियम रेंज के पंखे हैं हमारे पास सारे, ये लगे हुए हैं, ये 4,500 रुपये से स्टार्ट है और 5-5.5 हज़ार रुपये तक की रेंज के सारे पंखे हैं यहाँ पर। ये सारी मेरे ख्याल से फैंसी कैटेगरी है, फैंसी कैटेगरी है सारी। इसमें प्लेन वाइट पंखा भी आता है सादा सादा, ठीक है, जो हर घर में लगता है ज्यादातर, उसमें उस तरह का पंखा भी आता है। इनकी क्या प्राइस बताइए आपने? ये आप समझ लें कि 4,500 से स्टार्टिंग प्राइस है और इसके 5,500 रुपये तक के डिफरेंट मॉडल के हिसाब से अलग अलग रेट हैं। ये सब प्योर कॉपर की वाइंडिंग में है, 2 साल इसकी गारंटी है। सही। और रिप्लेसमेंट गारंटी होती है। और ये एसी फैन है सारे? ये एसी फैन है सारे, इसमें एसी डीसी भी आते हैं, अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखा देता हूँ। एसी डीसी के भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी है। सही। अच्छा, इसके अलावा आप आ जाएँ तो फिर हमारे पास ब्रांड में मिल जाते हैं, ये रॉयल फैन के पंखे लगे हुए हैं सारे। ये मेरे ख्याल से ये सारी लाइन, ये सब रॉयल फैन के पंखे हैं, लाइफ टाइम गारंटी होती है इनकी 18 साल की। 18 साल की गारंटी होती है? बिल्कुल, लाइफ टाइम गारंटी होती है इसकी 18 साल की। और इनकी भी प्राइसिंग बता दें। इसके भी प्राइस आप समझ लें कि 7,000 से स्टार्ट हैं और 8-8.5 हज़ार के तकरीबन दरमियान के रेट हैं इसके। अच्छा, ये जो ऊपर ब्लैक कलर का पंखा है इसकी क्या प्राइस है? इसके ये 7,300 रुपये का पंखा है। 7,300 का है। और ये ब्राउन? ये भी सेम प्राइस है, ये इसका कलर है, इसका इसी पंखे का कलर है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये फिर इसके अलावा अगर ये जाली वाला पंखा है ये 7,000 का पड़ेगा आपको। सही। इसके नीचे ये रॉयल फैन की ये पेशेंट सीरीज आती है, काफ़ी इसकी फेमस सीरीज है रॉयल फैन की, ये इसके भी 7,000 रुपये प्राइस है। सही। तो इसके अलावा आप आ जाएँ तो फिर ये इसके जो है वो कुछ फैंसी वैरायटी आती है रॉयल फैन की, ये लगे हुए हैं इसमें और मुख्तलिफ कलर्स आते हैं, ये रॉयल फैन के डिज़ाइन है, ये भी रॉयल फैन के डिज़ाइन है। फिर ये ऊपर आ जाए तो GFC की फैंसी वैरायटी आती है, थोड़ा सा एलीट क्लास एलीट सीरीज की वैरायटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये नॉर्मल मिडिल क्लास भी अपने ड्राइंग रूम मिडिल वगैरह क्लास भी लगा ही सकता है लाजिम है, मगर ये एलीट सीरीज कहलाती है, ये थोड़ा सा वो स्पेशल एक पंखा बनता है जो हम ड्राइंग रूम में ये लाउंज में लगाते हैं, तो ये उस किस्म का पंखा बना हुआ है, ये अच्छा खूबसूरत पंखा है। बिल्कुल। और इसकी इनकी क्या प्राइस है? ये भी आप समझ लें कि प्राइस रेंज वही है, 7-7.5 हज़ार से स्टार्टिंग है और इसके 9-9.5 हज़ार रुपये तक के इसके तकरीबन रेट हैं। सही। मॉडल के हिसाब से इसके और डिज़ाइन के हिसाब से कम से कम 7,500 का, कम से कम 7,000 रुपये के ब्रांड में आप जाएंगे तो 7,000 से स्टार्टिंग होती है तकरीबन। सही सही। अच्छा, इसके अलावा फिर आप आ जाएँ तो फिर हमारे पास ये GFC फैन की सारी वरायटी मिल जाएगी, ये सब डिज़ाइन सारे GFC फैन के हैं, ये सारे GFC है जी, ये सब GFC फैन के हैं। इसके भी प्राइस वही हैं, इसके आप समझ लेंगे 6,500 से स्टार्टिंग प्राइस है इसके और 8-8.5 हज़ार रुपये तक के इसके प्राइस रेंज के दरमियान के सारे पंखे हैं। 6,500 से लेकर 6,500 से 8,500 रुपये तक के मॉडल वाइज अलग अलग सबके रेट। सही। इसमें डिज़ाइन के और कलर के रेट जो है वो कलर के रेट सेम होते हैं, डिज़ाइन चेंज होता है तो रेटों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इसमें।
और ये कौन सा ब्रांड है ये सारे? जीएफसी कंपनी के पंखे सारे, ये सब जीएफसी के हैं, कॉपर की वाइंडिंग में, और इन सब की 3-3 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी होती है। रिप्लेसमेंट गारंटी सही हो गया। जिसके अलावा इसमें ना पंखों की जो ब्रांड में लेते हैं तो फ्री होम सर्विस गारंटी भी होती है। पंखा खराब हो जाता है, कस्टमर कॉल करता है, कंपनी का नुमाइंदा घर पे जाता है, फ्री होम सर्विस है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि कस्टमर को पंखा लाने ले जाना नहीं पड़ता, ईजी हो जाता है, घर बैठे काम हो जाता है इसका। ये ब्रांड में सहूलत है लेकिन सही अनब्रांडेड में नहीं होती है। जी मैं वही कहने वाला था, ये हर ब्रांड में ये सहूलत ये है। अगर आप बड़े ब्रांड में जाते हैं जीएफसी रॉयल पार्क पेन, तो ये इनलो होता है, ये अनब्रांडेड में नहीं होता, जो मैंने आपको पहले दिखाया उसमें नहीं होगी सर्विस ये। और इसके अलावा आप क्या दिखाने वाले हैं? अच्छा इसके अलावा आप आ जाए तो फिर हमारे पास पार्क पेन के पंखे मिल जाएंगे। पार्क पेन में थोड़ी सी वरायटी कम आती है लेकिन पार्क पेन आपको पता है कि जो है वो एक सबसे टॉप का ब्रांड है पार्क पेन से। अच्छा तो पंखों का सबसे बड़ा ब्रांड है पार्क पेन। और इसकी प्राइस भी प्राइस रेंज आपसे मिल जाएंगे 7,000-7,500 से स्टार्टिंग है और तकरीबन 9,000 रुपये तक के इसके भी रेट है पंखों के। और इनकी भी वारंटी है? ये भी वारंटी 3-3 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी होती है इनकी भी। ये भी ख़राब हो जाता है हम कस्टमर को नया पीस देते हैं चेंज करके। अच्छा इसके अलावा आप आ जाए तो हमारे पास कलर में कुछ वरायटी आती है। ये सोनेक्स कंपनी के पंखे हैं सारे हमारे पास, ये सोनेक्स कंपनी के पंखे हैं। या आपके घर के रूम के कलर के हिसाब से ब्राउन, पिंक, पर्पल, ब्लू, हर लिहाज से, ग्रे के हिसाब से, हर लिहाज से मिल जाते हैं कलर इसमें। इसमें सादा प्लेन भी आता है, इसमें डिज़ाइन में भी आता है, इसमें ये फैंसी रेंज भी आती है ये ड्राइंग रूम और लाउंज वगैरह के हिसाब से। इसके भी प्राइस आप समझ लेंगे ये थोड़ा सा 6,000 रुपये से तकरीबन स्टार्ट है और इसके भी 8,500-9,000 रुपये तक के इसके रेट हैं मॉडल के हिसाब से। और इसके जो कलर है वो भी बहुत यूनिक कलर है, बड़े यूनिक और बहुत खूबसूरत कलर है। इसकी फिनिशिंग भी आप देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग भी आम पंखों से बहुत अच्छी फिनिशिंग है। इसकी स्पीड भी आम पंखों से बहुत अच्छी है। ये न्यू ब्रांड है? ये न्यू तो नहीं कह सकते, ये पुराना ब्रांड है। ये मास्टर और सोनिक वाले जिनका सैनिटरी का ब्रांड है बहुत बड़ा, ये उस ग्रुप का फैन है। सही, ये सही, वैसे सही। तो काफी पुराना ब्रांड है पंखे की फील्ड में, ये है कि 10-12 साल से इनका पंखा आता है। अच्छा। और पंखा भी बहुत अच्छा और इनका सैनिटरी आइटम भी आपको पता है बहुत अच्छा है। सही सही सही। और इनकी क्या प्राइस बताइए आपने? इसके भी आप समझ लें कि 6,000 से स्टार्ट है और 9,500-9,000 रुपए तक के इसके प्राइस है। मॉडल वाइज अलग अलग रेट है इसके। ये नीचे वाले की प्राइस बता सकते हैं? ये नीचे वाले के प्राइस 7,000 रुपए हैं। अच्छा इसके अलावा फिर आप इसमें जाली वाले में चले जाते हैं तो ये 6,500 रुपए का पड़ता है। सही। या आप कलर वाले में जाते हैं तो ये 6,300 रुपए का पड़ता है। फिर ये आप ऊपर इसमें फैंसी वैरायटी में आ जाते हैं तो ये इसमें भी 8,500-8,500 से स्टार्ट है और 9,500-9,500 तक के इसमें मॉडल और भी हैं 3-4 उसके हिसाब से। अच्छा इसके अलावा आप आ जाएँ तो फिर हमारे पास आपको SK के पंखे मिल जाएंगे, SK फैन के मिल जाएंगे इसमें आपको हमारे पास। अच्छा SK के पंखे ये लगे हुए हैं हमारे पास, ये SK कंपनी के, ये भी मशहूर आजकल बड़ा ब्रांड चल रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे घर में भी एक फैन बिल्कुल ऐसी ब्रांड है, ये बिल्कुल लगाते हैं लोग आजकल बहुत लगा रहे हैं। ये कलर की वजह से बेसिकली ज़्यादा मशहूर हुआ था। बिल्कुल, कलर की वरायटी तो और भी ब्रांड्स में आती है लेकिन वो अपनी जगह है, बाकी अपनी जगह है। सही। अच्छा इसके भी प्राइस रेंज आप समझ लेंगे 6,800-7,000 से फैंसी वैरायटी स्टार्ट है। अगर आप प्लेन में जाते हैं तो प्लेन 6,000-6,200 रुपए के रेट है इसके प्लेन पेन के। अच्छा कलर में आप जाते हैं तो 6,800 का है, फिर फैंसी में आता है, फिर ये जाली वाला है ये 7,000 रुपए का है, फिर इस तरह का प्लेट वाला आता है, फिर ये समझ लेंगे 7,500 रुपए का है, फिर वो चोंच वाला आता है वो बिल्कुल 9,500 रुपए का है। वो मॉडल के हिसाब से अलग अलग उसके रेट है। अच्छा इसके अलावा आप आ जाएँ तो फिर हमारे पास ये थोड़ी सी फैंसी वैरायटी आती है 5 ब्लेड में। ये आजकल नए स्टाइल के पंखे आए हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश फैन है। इसके मैं पूरे की भी पिक्चर आपको कैटलॉग से दिखा देता हूँ, पहले आप यहाँ से पंखे देखें। ये मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, रॉयल फैन के हैं, GFC हैं, पार्क फैन है, ये भी सब बड़ी कंपनी के और ब्रांडेड पंखे हैं सारे। ये सारे ब्रांडेड हैं, इसमें से कोई भी अनब्रांड नहीं है। ये इसके प्राइस आप समझ लेंगे 11,000 से स्टार्ट है और तकरीबन 15,000 रुपये तक का इसका मॉडल के हिसाब से और कलर के हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग पंखा है। सही। ये AC फैन है सारे? ये AC फैन है सारे, ये बिजली पे चलते सब। अच्छा ये AC पे पंखा है? अच्छा ये AC फैन है, ये बिजली पे चलते हैं डायरेक्ट 220 पे। इसमें AC DC वाले भी आते हैं, इसमें रिमोट वाले भी आते हैं, लेकिन अगर ये हैवी पंखा इसमें रिमोट वाला लगाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। सही। इसमें सादा लगाएंगे ना 220 वाला तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, पंखे जितनी ही स्पीड होती है इसकी। अच्छा नॉर्मली कस्टमर कहता है कि ये फैंसी पंखों की स्पीड कम होती है, ऐसा नहीं है। असल में ऐसा होता था, ऐसा जब होता था जब ये पंखा अनब्रांडेड में आता था, जब ये लोकल में आते थे पंखे
अब ये पंखे ब्रांड में आते हैं, अब ये जीएफसी रॉयल पाक पर इनमें आते हैं, पहले इनमें नहीं आते थे पंखे, तो ये बात दुरुस्त थी कि इनमें हवा नहीं होती थी। बिल्कुल, अब जब से पंखे ये इन ब्रांड में आते हैं, जब से इसमें हवा आम पंखों जैसी ही, आप तीन पर वाला पंखा लगाएं, ये पंखा लगाएं, बात एक ही, इसमें हवा में फर्क नहीं होगा इंशाल्लाह। सही। अभी आप क्या दिखा रहे हैं इसमें? मैं आपको आई इसके मैं आपको डिजाइन भी दिखा देता हूँ कैटलॉग में। देखिए ये इसकी वैरायटी है सारी। अच्छा, ये सारी डिजाइन मौजूद है आपके पास? ये ऑलमोस्ट सारे मौजूद है। ठीक है, और इनके अलावा आपके पास क्या क्या वैरायटी है? अच्छा, इनके अलावा फिर हमारे पास आपको स्टैंड फैन मिल जाएंगे, ये लगे हुए सारे। स्टैंड फैन की प्राइस कहाँ से स्टार्ट है? स्टैंड फैन के 4,500 से स्टार्ट है और 7,500 रुपए तक के रेट है। ये मीडियम साइज का है स्टैंड फैन। ये मीडियम साइज के सारे? मीडियम साइज। और ये स्मॉल है? ये भी स्मॉल मीडियम साइज ही कहलाता है, 18 इंच का प्रोजेक्टर है। और स्टार्टिंग प्राइस 4,500 से स्टार्ट है, फिर कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेट है, 7,500 रुपए तक के रेंज है। फिर ये बड़े फुल साइज के हैं, इसके भी आप समझ लें कि 8,000 रुपए से प्राइस स्टार्टिंग है, और ये 9,500 और 10,000 रुपए तक के रेट हैं इसके अलग है। और ये सारे ब्रांडेड है? ये सारे ब्रांडेड है। इसमें मीडियम रेंज के लिए हमारे पास 6,500 में भी, अगर आपको बड़ा साइज का सस्ता पेडेस्टल चाहिए तो हमारे पास वो भी मिल जाता है, 6,500 में बड़ा पेडेस्टल भी मिल जाता है। कॉपर वाइंडिंग में होगा? बड़ा पेडिस्टल चाइना कॉपर में होगा, और दूसरा जो है वो पाकिस्तानी कॉपर में होगा। चाइना कॉपर वाले की 1 साल गारंटी होगी और पाकिस्तानी कॉपर वाले की 3 साल गारंटी है। 1 साल प्राइसिंग भी बता दें। प्राइस मैंने आपको बताया 6,500 रुपये से स्टार्ट है बड़ा पेडिस्टल फुल साइज का 24 इंच का, और उसके बाद वो आप समझ लें कि 9,500-10,000 रुपये तक के मॉडल के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से उसके अलग अलग रेट। सही। अच्छा, ये कौन से पंखे हैं? तो ये एग्जॉस्ट फैन है, इम्पोर्टेड एग्जॉस्ट है, ये ब्रांडेड है वॉल्यूम कंपनी के। ये प्लास्टिक का एग्जॉस्ट है, इसमें कलर भी आते हैं। ये ऑटो शटर एग्जॉस्ट है, ये ग्लास पे भी लगते हैं, वॉल पे भी लगते हैं, किचन वगैरह में लगते हैं, किचन पे भी लग सकते हैं, ये रूम में लगते हैं, वॉशरूम में लगते हैं, जहाँ आप लगाना चाहें। अच्छा, ये इसका ऑफ वाइट कलर में एग्जॉस्ट है। अच्छा, इसमें एक हमारे पास चीज़ है किचन के लिए जो आप पूछ रहे थे, ये हमारे पास इम्पोर्टेड एग्जॉस्ट है। ये हाई स्पीड है, इसके 2800 RPM है। 2800 RPM किसी के भी नहीं होते, हाई स्पीड एग्जॉस्ट है, फुली मेटल एग्जॉस्ट है, और इसका प्रेशर आम एग्जॉस्ट से सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सबसे ज़्यादा। साइज़ अलग अलग आते हैं इसमें, 6 इंच से लेकर 12 इंच तक का साइज़ आता है, 4,000 से लेकर 6,000 रुपये तक के इसके प्राइस रेंज है। साइज़ के हिसाब से अलग अलग रेट हैं। इसकी भी 2 साल गारंटी है, इम्पोर्टेड है लेकिन फिर भी इसकी 2 साल की गारंटी है। अच्छा, इसमें और एग्जॉस्ट में इसके और भी मज़ीद वैरायटी भी आती है। ये इसके सारे मॉडल हैं इसके एग्जॉस्ट के, ये प्लास्टिक वाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये इसकी वैरायटी है सारी। अच्छा, ये मेटल एग्जॉस्ट जो मैंने आपको दिखाया है, ये इसके साइज़ के हिसाब से सारे वैरायटी है। ये अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखा सकें तो ये इस पर कंपनी रिटेल में भी दिया हुआ है कि ये 2800 RPM है, 2800, और इसका एयर फ्लो, इसके CFM सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। और मेरे ख्याल से हर किसी फैन का जो साइज़ बड़ा है उसको भी 2800 RPM है। RPM सबका सेम है, ये खासियत है इसकी। अगर आप छोटा साइज़ लगाते हैं, आपके पास जगह कम है, तो आपको स्पीड परफॉर्मेंस वही मिलेगी, आपको परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बाद अवत ऐसा होता है मोस्टली एग्जॉस्ट में कि अगर आप छोटा साइज़ लगा दें तो प्रेशर कम मिलता है, इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप छोटा साइज़ में लगा दें तो उसका प्रेशर जो है वो अच्छा ही होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें फिर ये रेगुलर जो वॉल पे लगाने वाले जो एग्जॉस्ट आते हैं स्क्वायर, जो आगे से भी स्क्वायर पीछे से भी स्क्वायर होते हैं, वो भी आते हैं इसमें। ये भी इसकी बड़ी खूबसूरत और फैंसी वैरायटी है। आम कंपनियों से इसके रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये पायदार चीज़ है, ये ख़राब नहीं होती। इसलिए ये सालों साल चलने वाली चीज़ है कि आपने एक दफ़ा लगा दिया तो ये सालों साल पंखा आपका एग्जॉस्ट चलता रहेगा, इसमें कंप्लेन नहीं है, इसमें बिल्कुल 0% कंप्लेन। क्वालिटी प्रोडक्ट है। अच्छा, इसी तरह के में जो है वो फिर हमारे पास लोकल एग्जॉस्ट भी आते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास लोकल में फिर ये भी है, ये भी आता है। इसमें हमारे पास रॉयल फैन का एग्जॉस्ट आता है, ये भी कॉपर की वाइंडिंग में होता है। ये वॉल पर लगता है एग्जॉस्ट, एक ग्लास पर नहीं लगता है। इसको आप रूम में लगा सकते हैं, वॉशरूम में लगा सकते हैं, कॉपर की वाइंडिंग में होता है, 2 साल इसकी गारंटी होती है। 2 साल इसकी, और वॉशरूम में भी लग सकता है? वॉशरूम में भी लगता है और ये रूम में भी लगता है, ये हर जगह फिक्स होता है। ये कॉपर की वाइंडिंग में होता है। इसमें फिर हमारे पास GFC कंपनी का एग्जॉस्ट भी आता है। इसमें हमारे पास पाकपन का एग्जॉस्ट भी आता है, हमारे पास मिल्लत कंपनी का भी एग्जॉस्ट आता है। ये इसका ग्लास पर लगने वाला एग्जॉस्ट है, मिल्लत कंपनी का, मिल्लत का। इसके अलावा फिर इसमें हमारे पास ग्लास में लगने वाले में GFC कंपनी के एग्जॉस्ट आते हैं ग्लास वाले।
ये गिलास हमें सारे वॉशरूम में भी लगते हैं। ये वॉशरूम में ही मोस्टली लोग वॉशरूम में लगाते हैं ये वाले गिलास। अच्छा इनकी प्राइस बताते हैं ये गिलास। ये अगर आप ब्रांड में जाते हैं तो 2000 से स्टार्टिंग है और तकरीबन 2500-2700 रुपए तक के रेट है। अगर आप अच्छा इसके अलावा अगर आप अनब्रांडेड में जाते हैं अच्छी क्वालिटी में तो फिर हमारे पास 1400-1500 रुपए का एग्जॉस्ट भी है जिसकी भी एक साल गारंटी है। उसकी भी एक साल गारंटी है और एक साल में अगर वो ख़राब हो जाता है तो हम उसकी मोटर कस्टमर को चेंज करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई चार्जेस नहीं होता है, उसकी भी रिप्लेसमेंट गारंटी होती है एक साल। मतलब आप चेंज करके देते हैं, रिपेयर नहीं करवाते? रिप्लेस करके देते हैं, रिपेयर नहीं होता हमारे पास, रिपेयर नहीं होता, रिप्लेस करके देते। सही सही सही। और ये आपके भाई ने एक और फैन खोला है, ये कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेड है, विंडो कंपनी का एग्जॉस्ट है। ये मीडियम रेंज में अच्छी क्वालिटी का एग्जॉस्ट है। अगर आम एग्जॉस्ट जो है वो जैसे आप समझ लेंगे ये वाला एग्जॉस्ट है तो ये 3500 रुपये तक का पड़ता है, तो यही सेम चीज़ आपको ये 3000 रुपये में पड़ती है। 3000 तो इसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस इसकी जैसी ही है और इसकी गारंटी भी इसकी एक साल है, इसकी दो साल है। सिर्फ ये फर्क है बाकी हवा का प्रेशर आप देखेंगे तो दोनों में सेम है। अच्छा इसमें ये ऑटो शटर एग्जॉस्ट होता है, ये ऑटोमेटिक शटर खुलता है। ऑटोमेटिक खुलता है जो है वो डोरी का सिस्टम नहीं है जैसे आम एग्जॉस्ट में, इसमें डोरी का सिस्टम होता है। बिल्कुल डोरी का सिस्टम नहीं है, ये ऑटो शटर कहलाता है, ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट है। ऑटोमेटिक। और इसमें फिनिशिंग ज़्यादा लग रही है? फिनिशिंग असल में ये इम्पोर्टेड है, ये चाइना है और ये पाकिस्तानी है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा फर्क है। बाकी क्वालिटी ये भी आप इसको तो इससे वैसे कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा क्योंकि ये लाजिम है ब्रांड है, रॉयल फैन तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो आप उसको किसी अनब्रांडेड से कंपेयर नहीं कर सकते। वो अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर है। ये वो चीज़ है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे मुनासिब दाम में अच्छी रीच चाहिए तो ये फिर ये वो है, ये वो चीज़ है, उस किस्म की चीज़ है। और ये मेड इन चाइना है? ये मेड इन चाइना है, बिल्कुल सही। और अभी आप ACDC की भी कुछ वैरायटी के बारे में गाइड कर दें। ACDC भी दिखा। अच्छा तो भाई अब अपनी शॉप का एड्रेस बता दें। मेरी शॉप बोरा पीर में पड़ती है, बोरा पीर इलेक्ट्रिक मार्केट में है। आप दिल पसंद से आते हैं एमेजिया रोड पर जो है तो उसके बैक साइड पर पड़ती है सिविल हॉस्पिटल, तो आपने देखा होगा उससे जस्ट पहले आती है थोड़ा सा पहले। एम रफीक इलेक्ट्रिक के नाम से हमारी शॉप है। अभी आप बाहर बोर्ड भी दिखा दीजिएगा, हमारे पास बाहर साइन बोर्ड लगे हुए हैं। आपको या मार्केट में आके किसी से भी पूछेंगे एम रफीक इलेक्ट्रिक का कोई भी बता देगा। हमारी अलहमदिल्ला 30 साल पुरानी दुकान है, तो आपको कोई भी हमारी दुकान का एड्रेस गाइड कर देगा इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ा बोर्ड यहाँ पे मेंशन है, आप जैसे ही गली के अंदर एंटर होंगे आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ठीक है, चले जाते हैं।